सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर लाइव स्ट्रीम। आज मैं वापस आ चुका हूँ एक और लाइव स्ट्रीम करने के लिए, जो कि अब चालू हो चुकी है। तो अभी हम लाइव हैं, और जैसे अभी आप में से कोई मेरी वीडियो को देख रहा है, वैसे अभी तो कोई देख नहीं रहा है, अभी शायद वॉचिंग नहीं आई है एक भी बंदे की। अगर आ जाओ और मैं गेम खेल रहा हूँ और मुझे याद ना रहे ये बात पूछने की, तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में कि आवाज़ सही से आ रही है कि नहीं वीडियो में, क्योंकि कल जो मैंने लाइव स्ट्रीम डाली उसमें पता नहीं क्या हो गया, ऐसी एक घंटे की लाइव स्ट्रीम थी वो, और उसमें मेरी आवाज़ ही नहीं आई अच्छे से, और मैं एक घंटे बोलता ही रहा, मतलब आवाज़ ही नहीं आई, क्योंकि उसमें गेम की साउंड जो है वो मैं कम करना भूल गया था। और आप जानती हो गेटिंग ओवर इट में कितनी गेम की साउंड है, बारिश होती रहती है, वो पीछे से बोलता रहता है। तो लेकिन आज हम इस चीज़ पर ध्यान देंगे कि हमने बिल्कुल जो गेम साउंड है वो बिल्कुल ऑफ कर दिया, आपको सिर्फ वॉइस सुनने को मिलेगी, ये जो फेसबुक की नोटिफिकेशन है ये तो आएंगी। तो आज हम लोग खेलेंगे स्टम्बल गाइज, ये गेम फॉल गाइज की ही कॉपी है, हम गरीबों के लिए जो कि फ़ोन में गेम खेलते हैं और फ़ोन में लाइव स्ट्रीम करते हैं उनके लिए। तो आज हम स्टम्बल गाइज खेलेंगे, लेकिन ये गेम काफ़ी अच्छा अगर देखा जाए तो फॉल गाइज जैसा ही बना दिया है लगभग ये। इसमें मैं आज आपको अपनी स्किन्स दिखाता हूँ मेरे पास कितनी स्किन है। ये दोनों स्किन आपको मिलेंगी फ्री शुरुआत में, फिर ये एक स्किन है मेरे पास, ये है, फिर एक ये है फार्मर वाली, शेव वाली है, एक्सप्लोरर वाली है, ये वो है चाइनीज़ वाली, एक गोल्ड डिगर, थॉमस स्कोर, ऑफिसर मार्क, स्विमर बॉब, बहुत सारी ड्रेसेस हैं मेरे पास। ये है एक, ये है मुर्गी वाली, डायनासोर वाली एपिक है थोड़ी, है सबसे अच्छी है मेरे पास, ये दोनों स्किन एपिक हैं, लेकिन ये ज़्यादा मैं खेलता नहीं हूँ, लेके इसे ज़्यादा लेके खेलता हूँ मैं। लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कोई और ड्रेस लूँ, जैसे ये ड्रेस भी काफ़ी अच्छी है देखा जाए तो, लेकिन हम लोग पहले चलो इसे ट्राई कर लेते हैं। और बाकी मैं आपको इसमें फ्री प्राइसेस भी मिलते हैं, जैसे आप ऐड देखोगे, अभी तो मैं नहीं देखूँगा ऐड, एक गेम खेल लूँ तभी देखूँगा। और जैसे ये नीचे के जो लोगो बन के आ रहा है फैक्ट्री सार तक का, इसका मुझे भी पता नहीं है कि इसे कैसे हटाते हैं, लेकिन अगर पता चल जाएगा तो मैं इसे ज़रूर हटाऊँगा, इसे प्लीज़ इग्नोर करना। अगर आप में से कोई मेरे साथ खेलना चाहता है तो ये मेरी आईडी है, कभी भी इस पर तो शायद इस वाले गेम में तो रिक्वेस्ट डलती नहीं है जो फ्री फायर की तरह बोल दूँ, लेकिन कभी आप खेलना चाहो मेरे साथ तो लाइव स्ट्रीम में आके इधर से जो करते हैं, ये देखिए साइड में लिखा है बिल्कुल इधर देखो राइट साइड पार्टी, इधर आप एक क्रिएट कर लो रूम, ठीक है, फिर क्रिएट करने के बाद वही आईडी जो है, जैसे एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो जैसे मैंने क्रिएट करता हूँ, क्रिएटिंग पार्टी हो रही है इस गेम में, मैं उन्हें बता रहा हूँ, उन्हें गेम के बारे में नहीं पता है, तो क्रिएट हो गई पार्टी। अब देखो साइड में लिखा है रूम कोड 3775, अब ये जो कोड है ये आप मेरी लाइव चैट में लिख देना, तो ये मैं यहाँ पर डाल दूँगा, यहाँ पर एंटर रूम कोड जो भी था वो, तो अभी तो खैर वो मैंने पार्टी हटा ली तो अभी तो ज्वाइन होगा नहीं, लेकिन अगर आप मुझे भेजो तो मैं कोड डाल के ज्वाइन करूँगा, तो मैं आपके जो है रूम में आ जाऊँगा, तो फिर हम लोग मैं आपकी पार्टी को ज्वाइन करके आपके साथ भी खेल सकूँगा। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो खेलना चाहता है तो प्लीज़ आके यहाँ पर लाइव चैट में बता देना, ये कोड डा बता देना मुझे आके, बिल्कुल फ्री फायर की तरह से कस्टम रूम का पासवर्ड आईडी बतानी पड़ती थी ऐसा है। तो अब इस गेम का मैं आपको एक मैच खेल के दिखाता हूँ, गेम अंदर से कैसा है, कितनी स्टेजेस हैं इसमें, तो चलिए एक गेम खेलते हैं। होपफुली मेरी आवाज़ सही आ ही रही होगी आज, क्योंकि मैंने गेम साउंड जो है पूरी बंद कर ली है, और जो मैं अपना मुंह है बिल्कुल माइक के पास ला के बोल रहा हूँ तो अच्छे से आई रही होगी। ये वाली जो स्टेज है ये स्पिन गो अराउंड वाली, ये काफ़ी कठिन है, ये मैं ऊपर कर देता हूँ क्योंकि मुझे जॉयस्टिक ऊपर नीचे करने में काफ़ी दिक्कत होगी। अब आप देख सकते हो इस गेम को कितने लोग खेल रहे हैं, इनमें से कोई भी कंप्यूटर प्लेयर नहीं है, इंडिया में ये जो गेम है ये काफ़ी चल रहा है इस वक्त इंडिया के, ये वैसे तो सारे प्लेयर, अगर आप इनके नाम देखो ध्यान से तो कोई मुनीश कोई कुछ मुनुआ मुन्नी कुछ भी नाम है इसमें, कुछ लोग इंडियन होके भी अलग नाम रख रहे हैं। अरे यार थी मैं बात के चक्कर में स्टेज ना, ओ
देख रहे हो गाइस, ये गेम भी आसान नहीं है, सिर्फ ऐसा लगता है कि बच्चों का गेम है, थोड़े बहुत इसमें मतलब कि कार्टून करेक्टर्स हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। गेम खेलोगे ना तो आपको पता चलेगी। भाई भाई 16 लोग क्वालिफाइड होंगे, पता नहीं हो गए गाइस, जैसा आप देख सकते हो मैं क्वालिफाइड हो गया। आप जैसे ऊपर देख रहे हो क्वालिफाइड लिख के आ रहा है, पहली स्टेज में 16 लोग क्वालिफाइड होते हैं, फिर दूसरी स्टेज में 8 लोग होते हैं, 8 लोग आ गए तो हो जाएंगे, जो बचेगा वो रह जाएगा। फिर जो तीसरी स्टेज होती है उसमें सिर्फ एक होता है क्वालिफाइड। जैसा कि आप देख सकते हो 16 होगा तो यहाँ राउंड ओवर हो गया, इतने लोग ही क्वालिफाइड हुए हैं, जो गिर रहे हैं वो एलिमिनेट हुए हैं। तो मैं तो काफ़ी नाच रहा हूँ पीछे, आप लोग देख सकते हो कूद रहा हूँ मैं, बाकी सब भी कूद रहे हैं मेरे साथ, कुछ अलग तरीके से नाच रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं कैसी स्टेज आ जाए। वैसे तो आप में से 50% लोगों ने तो इस गेम को खेल लिया होगा, क्योंकि ये गेम काफ़ी फेमस हुआ था। फॉल गाइस की पहली कॉपी है ये यार। ये स्टेज में हारूंगा ही हारूंगा, मानो ना मानो, सबसे कठिन स्टेज है ये। अभी देखो एक एक लेजर लाइट आ रही है, अब तीन तीन चार चार एक साथ आएंगी, देखना अभी एक और आ गई, अभी एकदम से कठिन हो जाएंगी। ये देखो आई, वो देख रहे हो, आपको समझ में, सब इधर उधर भाग रहे हैं बस, पता है। लेकिन इस गेम में एक और भी चीज़, जितनी भी भीड़ लग रही है ये भी धक्का दे देती है। अरे यार ये कठिन चीज़ है, पहले कूद जाता हूँ नहीं भी आ जाएगी, रुक जाओ गाइस। अगर आपने कभी इस गेम को नहीं खेला है तो प्लीज़ ट्राई करो, काफ़ी मज़ा आता है, अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हो। और यार ये कैसा, ओ हो गए क्वालिफाइड में, अच्छा 8 लोग हो गए क्वालिफाइड, थोड़े बहुत मर गए। इस वाली स्टेज में ये नहीं है कि कौन पहले पहुंचेगा, इसमें बचना है, जो मरते जाएंगे वो एलिमिनेट, जो बचते जाएंगे वो क्वालिफाइड। एक इस गेम में जो फुटबॉल वाली स्टेज है वो काफ़ी गंदी है, वो तो बिल्कुल नहीं आए, ये स्टेज फिर भी ठीक है। लेकिन अब इसमें एक ही क्वालिफाइड होगा तो काफ़ी दिक्कत आएगी मुझे करने में, हो सकता है मैं जीत जाऊँ। पहला मैच है अभी मेरे पूरे दिन का, मैंने पूरे दिन से इस गेम को नहीं खेला। जब मेरे दोस्त वगैरह मुझे कभी मिलते हैं ओ तो ही मैं खेलता हूँ इस गेम को, वरना ऐसा अकेले नहीं, आज ही खेल रहा हूँ स्ट्रीम की वजह से, आज कोई है नहीं। अरे यार सब आगे निकल गए, ये तो हार जाऊँगा वाला मैच तो, मैं इसके रोलर के चक्कर में हार रहा हूँ। ये वाली स्टेज में पता नहीं कैसे होती है, बस देखी है मैंने एक अपने दोस्त को खेलते हुए वाली स्टेज। मैंने लो कोई ना कोई तो होने वाला है क्वालिफाइड, मुझे ऐसा लग रहा था सब इतना आगे, थोड़ी देर में लिख के आने वाला है एलिमिनेट राउंड ओवर। देखो मुझे तो एक प्लेयर दिख भी गया पहुंचता हुआ, हार गया लो मैं, शिट यार, देखते हैं कौन जीता है। BYZ सेकेंड एडिजल, ये काफ़ी बढ़िया प्लेयर लग रहा है, बस ड्रेस भी अच्छी है। ये ड्रेस एपिक में होगी, लेजेंडरी में भी हो सकती है। ये देखो भाई 20 ट्रॉफी, 30 स्टार और 1500 XP लेके अपना समूह लेके यहाँ खड़े हुए हैं, और फिर भी घुटने हिला रहे हैं, चूतड़ हिला रहे हैं, कोई शर्म नहीं है हमें। अरे यार एडो ने बड़ा दिमाग ख़राब कर रखा है, जरा सा नेट क्या खोल लो तो बनते हैं यार ये लोग। अरे कैसे हटेगा, अरे गाइस देखिए इन्होंने मुझे स्पॉन्सरशिप के पैसे भी नहीं दिए, और मेरी स्ट्रीम में आके अपना ऐड भी कर रहे हैं, एक रुपया नहीं दिया। चल तो गाइस ये मुझे लगता है ड्रेस में बैड लक है, तो अब हम ये वाली ड्रेस लेके खेल लेंगे, यूज़ में ले लेते हैं इसे, और एक और गेम खेलते हैं, और एक बार रुक जाओ गाइस, एक बार अपना लक आजमाते हैं और कोई नई ड्रेस खोल के देखते हैं। अरे ये कौन सा ऐड आ गया। अरे यार कोई ऐड ही चला देते, फोटो बन के आ रहा है, जल्दी जल्दी एक तो कट नहीं हो रहा ऊपर से। देखो गाइस मैंने मैक्स टका टक्का भी प्रमोशन जो है वो कर दिया है, फिर भी मुझे एक रुपया नहीं मिला, मतलब देख रहे हो मैं पहला ऐसा वो हूँ जो अपनी लाइव स्ट्रीमों में चीज़ों को प्रमोट कर रहा हूँ, ऐप्स को प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन रुपया एक भी नहीं मिल रहा है, और मिलेगा भी कैसे, ये लोग करा रहे हैं खुद, देखते हैं गाइस लक आजमाते हैं। 1 2 3 काश की कोई ड्रेस खोले, ये फालतू चीज़ें नहीं मिलें, खुल जाए यही। अरे यार चलो जेम्स भी ठीक है, लेकिन 5 जेम्स से क्या होगा, तो गाइस अभी रुक जाओ, ये फालतू काम बाद में करेंगे, ये तो करते रहेंगे, ये शुरू करते हैं एक मैच खेलते हैं। अब पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जीत जाऊँ।
लेकिन गाइस अगर आप में से किसी को पता है कि लोगों कैसे हटाते हैं अपने स्ट्रीम में से अपने चैनल का, तो प्लीज़ मुझे बता देना, क्योंकि मुझे अभी तक नहीं पता चला इसे कैसे हटाते हैं, वरना मैं एक दो दिन में या फिर आज ही वीडियो देख लूँगा कोई यूट्यूब पर जिसमें किसी ने बताया हो कि इसे कैसे हटाते हैं। एक ऐप भी आता है प्रिज्म लाइव करके, लेकिन उसकी सेटिंग मुझे समझ नहीं आ रही थी कल, क्योंकि कल मुझे स्ट्रीम करनी करनी थी। अरे इधर वज़न ज़्यादा बढ़ गया। अरे नहीं सही है ब्रो, सही है ब्रदर। अरे नहीं है सही मदरफ़कर। अब इधर वजन बढ़ाना पड़ेगा तब जाके नीचे बनेगा वजन। कूदो 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 गद्दे जी गद्दे। और कैसे मादर चौद गद्दे हैं गिराए दे रहे हैं, इन गद्दों पे कोई मक्खन लगा गया है। अरे शायद लोमड़ी कहीं की मुझसे आगे और मैं पीछे हूँ। भाई आप लोग देख सकते हो आगे कितने सारे प्लेयर दिख रहे हैं यहाँ पर कूदते हुए, तो मैं तो मुश्किल। अरे बड़े दिमाग ख़राब होता है इस गेम में। अब आप लोग देख ही सकते हो गेम कैसा है ये, तो आप लोग। ओ भैया इतना रुक जा, हथौड़े बहन के जोड़े कहता ना तो गुस्सा आता मुझे। और देखना भाई लोग हंसने वाले, किसी पे हंसो मत गाइस, कभी भी आपके साथ भी वैसे ही होगा। बंदा मैं उन गिरते हुए प्लेयरों पे हंसा था और मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, क्या करूं। देखो गाइस मैं चल ही गया। कूद 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 तेरी माँ की चूत। शिट ब्रदर। देखिए गाइस मेरे दोस्त जो हैं अभी तक इंस्टाग्राम चला रहे हैं, चाहते तो मेरे साथ खेलने आ सकते थे, लेकिन इन्हें फ़ोन करो बुलाओ कि भाई आ सकते हो, हेल्प कर सकते हो, थोड़ा स्ट्रीम खेलेंगे ये वो। खैर मैंने स्ट्रीम की तो नहीं बताई किसी को, खेलने की बताई मैंने कि खेल जाओ ऐसे ही, लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया। अगर मैंने बताऊं कि मैं स्ट्रीम कर रहा हूं उस वक्त भागे चले आएंगे। ओ गाइस ये स्टेज तो मैं पहली बार देख रहा हूं। और क्यों भाई हाथ में की? अच्छा हाँ मैं तो हार गया ना, मैं तो दूसरे को वॉच कर रहा हूँ ये। और बहनचोद ये स्टेज तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, और ऊपर टाइमिंग भी चल रही है। अच्छा अच्छा सामने वाले प्लेयरों को मानना है, काफ़ी बढ़िया यार, हमें नहीं दी थी ऐसी कभी स्टेज। सैलमोन भाई भी खेल रहे हैं, सैलमोन भाई लॉरेंस बिश्नोई पे फेंक के मारो यहाँ से ये मिसाइल। बाप के बारे में बहुत बोल रहा आजकल। अरे सैलमोन भाई तो पिटे पड़े। देख इन एक ऐसे लोग भी होते हैं गाइस जिन्हें मतलब क्या ही बोलें, कुछ भी नाम रख लेते हैं, इनके दिमाग में कुछ नहीं आता तो ये कीपैड पे छोड़ देते हैं कि मतलब जो कीपैड उंगली चला देते हैं कीपैड पे, जो आ जाए कीपैड पे नाम वो रख देते हैं। देखिए नाम अच्छा रखते तो नहीं गिरते। नितिन FF एक फ्री फायर में प्लेयर था, वैसे ज़्यादातर प्लेयर यही लगा लेते हैं FF अपने नाम के आगे। किसी का नाम अर्पण है तो अर्पण FF, किसी का नाम प्रीत है तो प्रीत FF, सब रखते थे पहले FF फ्री फायर के चौदह। तो गाइस लीव कर देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है देखने का, हम लोग खेलते हैं। मैंने तो बस देखा गाइस ये ड्रेस भी, मतलब इस ड्रेस में बैड लक था, हमें बैड लक नहीं है, हमें खेलना आता है। अब हम ट्राई करेंगे थोड़ी एपिक ड्रेस जैसे कि ये, और फिर कोशिश करेंगे कि जीत जाएं। स्टार्ट करते हैं। और अगर आप में से किसी को कोई फ़ोन में खेलने वाले अच्छे गेम पता है तो प्लीज़ मुझे बताओ, जिनकी मैं स्ट्रीम कर सकूं और गेम भी खेल सकूं। क्योंकि जब से मैंने फ्री फायर डिलीट करा है, जब से मैंने कोई सा ऐसा गेम नहीं खेला जिसे मैंने रेगुलर खेला हो, उस गेम को मैं खेल ही रहा हूँ, उस गेम कोई गेम नहीं खेलता मैं। अब इस गेम को मैंने बहुत पहले खेला था, शायद आज से एक दो महीने पहले खेला था। अब मैं स्ट्रीम के चक्कर में खेल रहा हूँ क्योंकि स्ट्रीम में खेलने के लिए कोई गेम ही नहीं है मेरे पास इस वक्त। गेम कुछ गेम ऐसे हैं जिन्हें बहुत मेंटेनेंस के साथ खेला जाता है, जैसे अभी मैं रात में खेल रहा हूँ, ज़्यादा वॉचिंग आ भी नहीं रही है तो मेरा भी कोई ज़्यादा मन। अरे यार क्या कर रहा है ये डायनासोर, डायनासोर की गांड है भोसड़ी का। ओ ये कब से लगा थी इधर, ये तो पहले तो नहीं थी भाई। आज कुछ नया ही देखने को मिल रहा है गेम में मुझे, और ज़रा पब्लिक देखो गेम में,
प्रशांत भट्टराव आ गए, आखिरकार कर ही लिया ये पेड़ पार। अरे अपने आप चल रहा है डायनासोर माधरचोद। गाइज मैं गाली दे रहा हूँ और जो ये स्ट्रीम है ये मेड फॉर किड्स वाले मोड पर लगी हुई है, तो हो सकता है स्ट्रीम डिलीट हो जाए या फिर इस पर कुछ और स्ट्रेटिक मोड लग जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अभी अकेला हूँ तो मैं गाली तो दूंगा क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है इस गेम पे। गाइस 10 बजे तक स्ट्रीम चलेगी, वरना 10 बजे से पहले मैं बंद कर दूंगा अगर मैं बोर हो गया ज़्यादा तो। ऐसा अभी तो मुझे थोड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं आगे की स्ट्रीम जो है वो अपने दोस्तों के साथ करूँ, तो आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा जब हम बात करेंगे खेलेंगे, और थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मैं गेम को अच्छे से जो है खेल लूँगा और कमेंट्री भी कर लूँगा। अभी मैं क्या है, ना ही तो मैं खेल पा रहा हूँ ना ही मैं कमेंट्री कर पा रहा हूँ, और कमेंट्री करने बैठ रहा हूँ तो मैं खेलना भूल जा रहा हूँ, और अगर खेल बैठ रहा हूँ तो मैं कमेंट्री भूल जा रहा हूँ। मतलब दोनों चीज़ें आधी आधी हो रही हैं। बोल भी मैं हक ला कर रहा हूँ लेकिन मैं कभी नहीं करता, और देखो अभी भी बातों के चक्कर मैंने लीव नहीं करा है, दूसरों का गेम देख रहा हूँ। लेकिन बहुत जल्द स्ट्रीम और अच्छी हुआ करेगी जब मुझे थोड़ा स्ट्रीम का एक्सपीरियंस होगा। अभी तक मैंने अगर मेरी स्ट्रीम तुम गिनोगे तो ये चौथी स्ट्रीम है, चौथी। आज गाइस चैनल पर शॉर्ट नहीं डाला मैंने क्योंकि आज नहीं मिला मुझे टाइम शॉर्ट डालने का, काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है शॉर्ट डालने का। मतलब रिकॉर्डिंग तो ही रखी है शॉर्ट की, लेकिन एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा है शॉर्ट के लिए, और एडिटिंग टाइम लगता है मुझे। मुझे क्या, अगर कोई और करेगा तो उसे भी लगेगा, क्योंकि शॉर्ट वीडियो जब बनाते हैं तो हमें खुद ये चीज़ पता होती है कि ये शॉर्ट वीडियो है, ठीक है। तो उसमें हमें, जैसे मेरा काम है फैक्ट बताने का, तो उसमें ज़्यादा अच्छे से हमें वीडियो जो है क्रिएट करनी पड़ती है कि इंसान को 60 सेकंड के अंदर चीज़ जो है अच्छे से समझ में आए कि हमने क्या बोला है, हम क्या बताना चाह रहे हैं। अब ऐसा था है नहीं जल्दी एकदम से बोल के चले गए कि गाइस क्या आपको पता है कि ये वाला गेम कौन सा है, कि वो वाला गेम कौन सा है, कि ये गेम क्या करता था, ऐसा तो है नहीं। एक एक चीज़ अच्छे से समझानी पड़ती है। और शॉर्ट वीडियो में अगर आप देखोगे, अगर जैसे आप लॉन्ग वीडियो देखते हो तो लॉन्ग वीडियो में आप पीछे से किसी की भी वीडियो लगा दो, जैसे कोई मूवी का सीन है या फिर कुछ भी है, तो इंसान जब वीडियो देखते हैं तो उन्हें समझ में जल्दी आ जाता है कि हाँ, जैसे अगर आपने कोई ऐसी वीडियो बनाई यूट्यूब पे कि क्या आपको पता है हमारी दुनिया में आज भी ज़ोंबी हैं, तो आपने ट्रेन टू बुसान का जो एक मूवी थी उसके कुछ सीन लगा दिए, तो लोगों को जल्दी समझ आ जाएगा कि हाँ ये ज़ोंबी ऐसे ही हैं, ज़ोंबी ऐसे ही होते हैं, काट लेते हैं ये वो है। तो हमें 60 सेकंड की वीडियो में बहुत कुछ करना पड़ता है, एडिटिंग जो है लंबी करनी पड़ती है, जल्दी नहीं होती। ऐसी बात नहीं है 60 सेकंड का शॉर्ट है तो 60 सेकंड में एडिटिंग भी हो जा रही है, रिकॉर्डिंग भी हो जा रही है। 60 सेकंड तो 60 सेकंड में तो ये समझ लो मैं जो अपनी रिकॉर्डिंग है वो जोड़ पाता हूँ, अगर 60 सेकंड मान के चलो तो तुम 1 मिनट में मैं अपनी रिकॉर्डिंग जोड़ पाता हूँ, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग ऐसा तो नहीं कि एक ही बार में कर ले रहा हूँ। आप में से जितने लोग भी रिकॉर्डिंग करते होगे उन्हें पता होगी ये बात। उसका नाम देखो लूसीफर्स के बगल में जो खड़ा है, रंडी नूब कुछ भी। गाइस मैं देख नहीं पाया कि मैं हारा हूँ कि जीता हूँ। चलो अगर हारा हूँ तो लीव कर दूंगा। नहीं गाइस मैं जीता हूँ, वही तो मुझे एकदम बोलूंगा। अरे ये बर्फ़ वाली स्टेज है अगर आप देख सकते हो अच्छे से, तो मैं फिसल रहा हूँ इसमें। अरे रे 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 रे, मुर्गी मुर्गी है या मुर्गा बताओ, ये है मुर्गा क्योंकि ये मुर्गा है इसलिए ये, अरे ये मादर चोद है। अरे 4-5 लोग तो वैसे ही क्वालिफाइड हो गए ये भोसड़ी का। अरे क्या यार, यार इसकी ड्रेस अच्छी लग रही है बाय द वे, इश्मित। गाइस कितने बज गए,
अभी टाइम और है 10-15 मिनट का, तो थोड़ी और चलाते हैं स्ट्रीम को। नहीं, ये ड्रेस अच्छी लग रही है। ये सब चीज़ें फ्री फायर पबजी से देख के इन्होंने और गेमों में भी डाल दी, एक्टिव पास, लाइट पास, फायर पास। खैर ये दोनों चीज़ें तो फ्री फायर में थी, लेकिन वैसे इन गेमों की बता रहा हूँ मैं। चलो एक बार लक और आजमाते हैं अपना, कोई अच्छी ड्रेस खुल जाए तो। अरे फिर जी लौंडी आ गई रील्स वाली, इन्जॉय करो ट्रेंडिंग वीडियोस। अच्छा ट्रेंडिंग वीडियो तो समझ में आता है, लेकिन उन वीडियो को हम इन्जॉय नहीं कर सकते, ये बात हम कह रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं मैक्स टकाटक पे कैसे लोग वीडियो बनाते हैं। इंस्टेंट इंस्टॉल, ओ माय गॉड, भेजो हमको पैसे तब करेंगे हम जल्दी। एक तो बार बार अपना प्रमोशन करवा रहे हो आके स्ट्रीम में। स्टॉप एंड गिव मी अ रेयर ड्रेस ए मदरफकर। एक टोकन, और देखना टोकन कितने सारे बने, और एक टोकन दिया है। अगर गिनो ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को टोकन है ये, अगर आप इधर देखोगे जो चमक रहे हैं ये 9 टोकन, और दिया मुझे एक है नहीं, ये मादर चौथपन थी। हट भोसड़ी के जोकर, अब नहीं करूँगा मैं। एक मैच और खेलते हैं गाइस, फिर कल की स्ट्रीम में मिलेंगे, क्योंकि अगर आप लोग देख सकते हो तो स्ट्रीम आज मैंने लेट शुरू करी थी और मैं जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि ये गेम जो है वो बार बार मैं हार जा रहा हूँ, प्ले करना पड़ रहा है, और अकेला खेल रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। अरे रुक 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 रुक, अच्छी ड्रेस पहनेंगे, लक आजमाएंगे। अब खेल लेते हैं, शायद मैंने वाली ड्रेस तो पहन ली एक बार, यही तो पहना हुआ। अरे वाली ड्रेस मैंने ली नहीं शायद। चलो एक ड्रेस प्रिंसेस, प्रिंसेस नहीं सॉरी प्रिंसेस वाली लेके खेलते हैं। 1 2 एंड 3। मैं सोच रहा था स्ट्रीम में BGMI खेलने की, लेकिन मैंने BGMI इंस्टॉल किया आज से 3 दिन पहले, मैंने BGMI खेला भी, लेकिन मैं सच बताऊँ ना, सच तो एक टाइम था जब मैं ये पबजी खेलता था तो मुझे TDM मैच खेलना बहुत पसंद था, लेकिन मुझे पबजी हो चाहे BGMI हो, इन दोनों गेमों में मुझे शुरुआत से ही जो बैटल रॉयल होता है जिसमें मतलब क्या कहते हैं उसे, बैटल रॉयल ही कहते हैं ना, फुल मैच जो होता है 100 बंदों वाला, उस पर मुझे आज तक पबजी में मज़ा नहीं आया, पता नहीं क्यों। मुझे बहुत ऐसा लगता है कि मतलब किसी बंदे को मारो तो हाँ कि आसानी से मार दिया, और फ्री फायर में अगर आप देखोगे तो, अब ये कोई ऐसी बात नहीं कि मैं मतलब ये कह रहा हूँ कि पबजी बेकार है फ्री फायर अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फ्री फायर में सच्ची में ऐसा लगता है कि हाँ तुम खेल रहे हो, उसमें कितना मुश्किल होता है एक प्लेयर को मारना, उसके पास गन की स्किन अच्छी है। अरे ये बहन की लौड़ी क्या चीज़ है, लाल लाल आगे नहीं जाने दे रही। हाँ तो गाइस कहाँ थे हम लोग, मतलब उसमें अच्छी चीज़ें हैं तो उसमें कितना मुश्किल होता है एक प्लेयर को मारना जो फ्री फायर में। सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी, ज़रा मेरे फ्रेंड की कॉल आ गई थी, तो स्टार्ट करते हैं वापस से स्ट्रीम, थोड़ी बहुत बची है जो, इस गेम के बाद बंद कर दूंगा स्ट्रीम।
वैसे कोई देख नहीं रहा है तो मैं किससे बोलूँ सॉरी या थैंक यू आने के लिए, या फिर मैं जा रहा हूँ, बाय भी नहीं बोलेंगा। मैं क्या करूँ, मुझे टाइम ही रात में मिलता है, क्या बताऊँ। लेकिन फिर भी जैसे अगर मैं रात में गेम खेल रहा हूँ, जैसे अभी मेरे अभी की बात करा जाए तो जैसे 6,000 सब्सक्राइबर्स हैं, उनमें से कुछ तो देखें, कोई भी नहीं देख रहा। अजीब ही मतलब हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में आ रहा क्या हो। और हाँ, सुबह मैं एक शॉर्ट डाल सकता हूँ यूट्यूब पर, यूट्यूब शॉर्ट शायद सुबह मॉर्निंग में आ जाए। अगर जैसे मॉर्निंग में मुझे टाइम मिल गया तो मैं डाल दूंगा, वरना नहीं मिला तो कुछ नहीं कह सकता कि दोपहर में आया फिर शाम में इतने टाइम ही आया, क्योंकि सुबह भी कोचिंग है, फिर शाम को भी है कोचिंग। हाँ, अगर देखता हूँ अगर दोपहर में टाइम मिलेगा तो डाल दूंगा, कोचिंग अभी है तो मुझे टाइम कम मिल रहा है। और आप में से जितने लोग भी इस वक्त पढ़ाई लिखाई छोड़कर यूट्यूब पे काम कर रहे हो, तो मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप गलत ही कर रहे हो। मतलब ये बात गलत नहीं है कि आप यूट्यूब मत करो, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ यूट्यूब भी बहुत अच्छी चीज़ है और पढ़ाई भी बहुत अच्छी चीज़ है, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। वो बात अलग है कि हाँ, पढ़ाई में आपको थोड़ा ज़्यादा लागत लगानी पड़ती है, याद करना पड़ता है, याद करना मैं जानता हूँ आज के टाइम के बच्चों के लिए कितना मुश्किल है, जब से ये गेम वेम बना दी गए हैं, जब से बच्चों का ध्यान इन सब चीज़ों में। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं भी स्ट्रीम कर रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ वाली बात, तो ऐसा बात नहीं है। मैं पढ़ाई भी करता हूँ, मैं यूट्यूब भी करता हूँ, मैं दोनों चीज़ें करता हूँ, क्योंकि किसी चीज़ का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। आज हमारे पास स्ट्रीम करने को नेट है, वीडियो डालने को नेट है, कल नहीं है नेट, क्या करोगे फिर। इसलिए पढ़ाई करना भी ज़रूरी है। जिन लोगों ने इस वक्त ये बात सोच रखी है कि पढ़ाई बिल्कुल तो छोड़ दो, कोचिंग जाओ, सेल्फ स्टडी करो, जिनके इस साल बोर्ड हैं और जिनके इस साल बोर्ड नहीं भी हैं वो भी पढ़ाई करो, पढ़ाई करना ज़रूरी है। और अपने शौक़ भी पूरे करो, जैसे जिनका चैनल है या फिर आप खेलते कूदते हो, आपको फ्रेंड के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करना पसंद है, वो भी करो, लेकिन पढ़ाई को भी टाइम दो। क्योंकि ये बात सिर्फ कहने की है कि अरे जो एजुकेशन फ़ोन पे मिल जाती है वो स्कूल में कहाँ, ऐसे कोई बात नहीं है, स्कूल से भी काफ़ी नॉलेज मिलती है। हाँ, वो बात अलग है कि आज के टाइम में इंसान बहुत अलग हो गए हैं। अगर जैसे आप स्कूल जाते हो तो आपको स्कूल में अजीब लगता होगा कभी कभार, जिनके दोस्त वगैरह नहीं हैं, या फिर दोस्त हैं उनके फिर भी अजीब लगता होगा, घर पे ज़्यादा अच्छा लगता होगा। तो वो तो देखो सबके साथ है, जब से ये कोविड आया, जिन बच्चों की लर्निंग पावर अच्छी थी और बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उन सब की लर्निंग पावर लो क्या बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है। क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसा हुआ था बीच में, अभी जब करोना चल रहा था तब तो ठीक थी पढ़ाई, लेकिन जब करोना चलता रहा, जब एग्ज़ाम ऑनलाइन होने लग गए, तब तो बिल्कुल मतलब समझ लो पढ़ाई को कुछ समझ ही नहीं रहा था कुछ भी। लेकिन फिर मुझे ये चीज़ पता चली कि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, आप कोचिंग पढ़ लो, स्कूल चले जाओ, वो पढ़ाई समझ में आती कि हाँ पढ़ाई होती, लेकिन वहाँ वो पढ़ाई नहीं होती है जो जिसे कहते हैं कि हाँ नॉलेज एजुकेशन, वो आप सेल्फ स्टडी से ज़्यादा ले सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जो पढ़ाई शांति में आप कर लोगे वो नहीं कर पाओगे ट्यूशन या स्कूल में, तो सेल्फ स्टडी ज़रूर करा करो। और अगर आप इस वक्त ये सोच रहे हो कि YouTube पे बहुत ज़्यादा पैसा है,
ये चीज़ भी मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग अभी के टाइम में देखोगे ना, जो अभी जो 2022 चल रही है और ये जो टाइम चल रहा है अभी, जो बिल्कुल अभी जो टाइम चल रहा है अभी का समझ के रखो, अभी कितने बज रहे हैं, चलो छोड़ो, अभी के टाइम में बिल्कुल यूट्यूब पर जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, बहुत ज़्यादा। आपने बहुत से ऐसे यूट्यूबर होंगे जो दिखा रहे हैं कि आप देखिए गाइज हमारी वीडियो पर 25 मिलियन व्यूज़ हैं और हमें 1,000 रुपये आए हैं, 800 रुपये आए हैं, 1,800 रुपये आए हैं, किसी को 3-4 हज़ार रुपये आए हैं, और आप सोचते क्या हो कि 25, यार इस वाली वीडियो पे 25 मिलियन व्यूज़ हैं यार, इस यूट्यूबर को कम से कम 12 लाख रुपए तो मिले होंगे, 8 लाख रुपए तो मिले होंगे। आप ये लोग आप ये चीज़ सोचते हो, और ये चीज़ पहले मैं भी सोचता था, लेकिन अब के टाइम में मैं भी ये चीज़ समझ रहा हूँ। पहले मेरे खुद यूट्यूब शॉर्ट्स पर इतने इतने व्यूज़ डाल आते थे किसी पे, खैर हर शॉर्ट पे तो नहीं आया, लेकिन कुछ शॉर्ट्स पे आए थे व्यूज़ हाईएस्ट, मिलियन में नहीं पहुँचे, 1,000 में रहे, लेकिन मुझे फिर भी काफ़ी अच्छा लगा। पहले के टाइम में तो सिर्फ 100-200 आते थे कम से कम व्यूज़ के, आगे किए तो लग जा रहा था बीच में, लेकिन अब वो भी ख़त्म हो गया। पता नहीं क्या यूट्यूब का कोई अपडेट है या फिर पता नहीं क्या है, इतने सारे यूट्यूबर बढ़ गए हैं तो यूट्यूब ने ऐसा करा है। क्योंकि अगर आज के टाइम में आप देखोगे, आप फ़ोन में ही देखो, आप स्क्रॉल करते रहोगे, एक वीडियो रिपीट रिपीट नहीं होगी जैसे पहले होती थी, आपको नई वीडियो दिख ही जाएगी कहीं ना कहीं से, मतलब हर गली में बच्चा, हर मोहल्ले का बच्चा यूट्यूबर बनना चाहता है और बन भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत से लोगों को सक्सेस भी मिल रहा है। और यूट्यूब का उन्हें मिल सक्सेस यूट्यूब से रहा है, फिर वो उन्हीं थोड़े बहुत पैसों से अपना बिजनेस भी खोल ले रहे हैं छोटा मोटा, ऐसी बात नहीं है, यूट्यूब पर भी आपका करियर सक्सेसफुल हो सकता है, ज़रूरी नहीं है पढ़ाई लिखाई से ही हो। हाँ लेकिन ऐसा नहीं, ऐसी ये बात आपकी गलत है कि आप मतलब एक ही चीज़ कर रहे हो मतलब। हाँ लेकिन अगर आपको यूट्यूब में इंटरेस्ट नहीं है तो आप अपने और भी एक्टिविटी कर सकते हो, अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो अपने स्पोर्ट्स में प्रैक्टिस करो। हाँ बस पूरा दिन है अपना, जो मतलब पूरा दिन जो होता है वो फालतू तो चीज़ों में मत निकालो, दोस्तों के साथ घूमो, चलो माना कि हाँ अपने दोस्तों के साथ 1 घंटा चिल कर लिया बहुत है बस, बाकी का जो दिन है उसे किसी काम में निकालो। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो आपको पढ़ो के जो है वो काम आएगी, तो वो समझ में आती है चीज़, लेकिन ये जो है आप दोस्तों के साथ चिल कर रहे हो इससे आपको क्या फ़ायदा। अगर आप यूट्यूब की वीडियो बना रहे हो पूरे दिन में, एक चलो आपको यूट्यूब की वीडियो बनाने में 2 घंटे लग जा रहे हैं, तो वो भी तो आपको काम आएगी, वो भी एक चीज़ अच्छी है। पढ़ रहे हो वो भी चीज़ अच्छी है, अगर स्पोर्ट्स के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो वो भी चीज़ अच्छी है, जिम जा रहे हो वो भी काफ़ी अच्छा है हेल्थ के लिए। लेकिन फालतू चीज़ों में मत लगाओ कि मतलब बिस्तर पे लेट गए, पीठ पे तकिया लगा लिया, रील्स स्क्रॉल कर ही पड़े हो, इंस्टाग्राम पे जब टिकटॉक थी तब स्क्रॉल करते रहते थे, ये चीज़ बेकार है। क्योंकि ये चीज़ तुम्हें बाद में जाकर रियलाइज़ होंगी कि काश कि जिस टाइम हम लेटे हुए थे बिस्तर पे उस टाइम हम कुछ कर लेते, पढ़ ही लेते यार कुछ नहीं तो। क्योंकि आज के टाइम में मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, बच्चे बिल्कुल पढ़ नहीं रहे बिल्कुल भी, सबने मन हटा लिया पढ़ाई से, आसान समझ रहे हैं, और यूट्यूब को बहुत आसान समझ रहे हैं यार, इन्हें पता ही ना है कि यूट्यूब है क्या चीज़। जो लोग नसीब, मैं तो भाई कहूँगा कि हाँ है लोगों का नसीब, नसीब जैसी चीज़ होती तो है, ऐसी बात नहीं है, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो अपने बिना किसी मेहनत के नसीब के चलते हुए फेमस हो जाते हैं। फेमस होना कोई बात नहीं है, फेमस होना हाँ अच्छी बात है, अच्छा लगता है फेमस होके, लेकिन आपको ये भी नहीं पता जो लोग फेमस हैं उन्हें कैसा लगता है, ये भी चीज़ है ना। और पैसे कमाना भी ज़रूरी है फेमस के होने के साथ साथ। अब आप लोग सोचोगे फेमस हो जाओगे तो पैसे तो कमा ही लोगे, ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ों में बहुत मेहनत है। फ्री फायर के कितने यूट्यूबर हैं जिन्होंने 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर कर लिए और वो पागल हो गए कि हम फेमस हो गए, लेकिन आज के टाइम में ना ही तो उनके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं ना कुछ हो रहा है। अरे बहन की भोसड़ी बताओ तो, इतने साथ एक साथ लोग घुस गए, मैं पता नहीं जीता हूँ हारा हूँ कहाँ हूँ मैं। मुझे नहीं पता मेरी बातें आपको बोर कर रही हैं अच्छी लग रही हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं मन में भी यही बातें सोचता हूँ, और मैं भी अकेला हूँ तो मैं बोल भी दे रहा हूँ ये बातें। सही लगी हूँ मेरी बातें तो इन सब चीज़ों का पालन कर लेना, वरना कोई बात नहीं। अब लीव स्ट्रीम को लीव करते हैं, ठीक है भाई, अगर ये कोई स्ट्रीम को बाद में देख रहा है
तो उन लोगों के लिए बोल देता हूँ मैं, अब स्ट्रीम को बंद करते हैं। बाय गाइस, लाइक कर देना स्ट्रीम को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे और स्ट्रीम और चैनल पे ऐसे और गेम के फैक्ट देखना चाहते हो तो, और यूट्यूब की न्यूज़ेस भी बताया करूँगा मैं कुछ टाइम बाद, तो उन सब चीज़ों के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करके रखो, क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तभी ही मिलेगी। और वीडियो पे कमेंट करके बताया करो कि किस चीज़ में आपको कमी लग रही है, ऑडियो कम लग रही है या फिर म्यूज़िक ज़्यादा लग रहा है वीडियो के पीछे का, बैकग्राउंड म्यूज़िक जो होता है, या फिर एडिटिंग में कोई कमी है, वीडियो का प्रिंट अजीब लग रहा है, या फिर जो भी अच्छा ना लगा करे आपको बताया करो। उस चीज़ से क्या है, मुझे हेल्प मिलेगी कि हाँ ये जो है पब्लिक को अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो मुझे वीडियो सही लगती है, लेकिन अब हर एक इंसान तो हर एक इंसान की तरह नहीं सोचता है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि उन्हें कोई चीज़ पसंद आती है, दूसरे को वो चीज़ पसंद नहीं आती है। अब वो नहीं पता कि वो जान के करता है या फिर सच्ची में चीज़ नहीं पसंद आती है, क्योंकि आज के टाइम में लोग एक दूसरे से जलते भी बहुत हैं। लेकिन आप लोग मत जलना किसी से, अगर आप में कोई खूबी है तो बस टाइम वेस्ट मत करो, इतना ही कहना चाहूँगा। बाय गाइस, पीस आउट।